गुरुजी, काल सर्प दोष क्या होता है? भक्तगणों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु को सर्प का मुख बताया गया है और केतु की विवेचना सर्प की पूंछ के रूप में की गई है। और जब राहु और केतु के मध्य किसी जन्म कुंडली के अंतर्गत सारे ग्रह एक तरफ आ जाते हैं या उनके भी राहु और केतु के मध्य में सभी ग्रह सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि इत्यादि आ जाते हैं तो काल सर्प योग बनता है। हमारे फलित ज्योतिष में काल सर्प बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। काल सर्प से पीड़ित व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत परेशान रहता है। कृपया ध्यान दें, मैं इसकी एक बात उन्हें विवेचना करना चाहूंगा। राहु को सर्प का मुख के रूप में माना गया है जबकि केतु को सर्प की पूंछ के रूप में माना गया है। जब आपकी या किसी अन्य व्यक्ति की जन्म कुंडली में सभी ग्रह राहु या केतु के मध्य में आ जाते हैं तो यानी एक सिरे पर केतु और एक सिरे पर राहु हो और उसके बीच में सारे ग्रह अगर आपकी जन्म कुंडली में स्थित हो तो ऐसी स्थिति को काल सर्प दोष कहा जाता है, काल सर्प योग कहा जाता है, जिसका हमारे जीवन में बहुत विपरीत असर पड़ता है। क्या आपकी जन्म कुंडली अथवा आप काल सर्प दोष की पीड़ा से परेशान हैं? आपको लाख परिश्रम करने के बाद भी अपनी मेहनत का 10% से अधिक फल नहीं मिलता? आप ज्योतिषाचार्यों के धर्म गुरुओं के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं? मैं गुरु रजनीश ऋषि लेता हूं गारंटी आपकी काल सर्प दोष पीड़ा से आपको मुक्ति कराने की। 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर राजेंद्रा प्लेस नई दिल्ली वाले गुरु रजनीश ऋषि से अब आप भी उनके ईस्ट पटेल नगर दिल्ली स्थित ऑफिस में मिल सकते हैं, अथवा आप गुरु जी को हमारे शनि मंदिर की विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट www.shanidev.us पर जाकर अपनी सभी परेशानियां लिखकर भेज सकते हैं।